विसाखी दे मद्देनजर शहर विच अमन शांति बनाए रखने दे लई एसएसपी बटाला अश्विनी गोटियाल दी अगुवाई विच बटाला पुलिस वल्लों बीएसएफ दे जवानां दे नाल बटाला शहर विच फ्लैग मार्च कढ़िया गया। यह फ्लैग मार्च शहर दे गांधी चौंक तों शुरू होके शहर दे वख-वख बाजारां तों हुंदा होया मुड़ गांधी चौंक विखे समाप्त होया। जानकारी दिंदिया एसएसपी बटाला अश्विनी गोटियाल ने दस्सिया कि विसाखी दे मद्देनजर शहर विच अमन शांति बनाए रखने लई बटाला पुलिस अते बीएसएफ वल्लों शहर विच फ्लैग मार्च कढ़िया गया। इस फ्लैग मार्च दा मुख मकसद लोकां विच आत्म विश्वास पैदा करना है। उन्हां लोकां तों अपील कीती है कि ओह किसी भी अफवाह ते यकीन ना करन, जेकर उन्हां नूं कोई भी शक्की व्यक्ति जां वस्तु दिखाई दिंदी है तां तुरंत इस दी सूचना पुलिस नूं दित्ती जावे तां जो कोई अनसुखावी घटना ना वापरे। बटाला तो पत्रकार जतिंदर सोडी की रिपोर्ट, केआरटी न्यूज़ नेटवर्क। गुड मॉर्निंग जी, आज अपना पंजाब पुलिस और बीएसएफ के साथ हमने आज एक फ्लैग मार्च कढ़िया हुआ जिला बटाला दे विच। जिवें सारे नूं ऑलरेडी पता हैगा कि कल विसाखी फैसटिवल आपां सैलीब्रेट कर रहे हैं पूरे पंजाब दे विच। वो सैलीब्रेशन नूं ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सारे गुरद्वारे जो अपने हैगे बहुत ज़्यादा संगत आउंदी है और बाकी छोटी छोटी थावां हैगे उत्थे भी आउंदी है, तो उन्हां दे रक्षा वास्ते उन और लोगों नूं एक कॉन्फिडेंस देन वास्ते अपना जो लॉ एंड ऑर्डर हैगे जी, ये पूरे अंडर कंट्रोल हैगे आ। आपां सारे ही अपनी सोसाइटी वास्ते खड़े हाँ, तो उस दे वास्ते आपां अज एक फ्लैग मार्च कढ़े हुए जी। अमृतपाल का इशू चल ही रहा जी, जिवें तुसीं जानते हैगे वो एक पार्ट हैगे, बट दैन साडा जो लार्जर पिक्चर हैगी दो मेन साडा हैगा वो ये कि अपने एरिया नूं सिक्योर करन दा। तो ये लोगों को बस एक एहसास दिलाने का कि साड़ी इन्नी फोर्स इतने लगी हुई है ताडे वास्ते, कोई ये करने की लोड़ नहीं। फ्लैग मार्च आप इतने ये तो वक् वक् सब डिविजन से होनी हैगी जी। आप शुरू किए हैं अपने एसएसपी दफ्तर तो, हूँ जानी हैगी अपने कंध साहब गुरुद्वारा तक। दूजे जो है फतेहगढ़ चूड़िया च वक् होनी है, श्री हरगोबिंदपुर वक् होनी है, और डेरा बाबा नानक दे विच डी एस पी और एस पी साहब अपने तौर पर वो ऑलरेडी कर रहे हैं। नहीं जी, ये आपको पता चला कि मुझे तक अभी तक आया नहीं है ये बात। वैसे बटाले दी हुण तक कोई गल नहीं आई है, अगर इदा दी कोई होंदी है तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो साडे नाल शेयर किया जाऊगा, तो अगे दी वो इन्वेस्टिगेशन चलूगी एंड ऑफ कोर्स आपको भी बता जाएगा, आपके बताए बिना तो चलेगा नहीं कोई काम। इट विल बी ब्रॉट योर नॉलेज। इवन हैंडीक्राफ्ट मेटल वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। किसी भी तरह की इमारत बनाने के बाद चिंता होती है कि उसे सजाने की, तो इस चिंता को भूलकर सजाइए अपने सपनों का घर, ऑफिस, होटल, रिसॉर्ट या फिर अपने कारोबारी बिल्डिंग को। फिर चाहे वह वास्तु के हिसाब से हो या फिर आधुनिक शैली के हिसाब से, हर तरह की वैरायटी मिलेगी आपको केवल एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट में। द मेटल डिकॉर वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट स्टॉक कीपिंग यूनिट ऑफ मेटल डिकॉर इन द रीजन। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट है मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमाइजर्स, इनोवेटर्स, थोक सप्लायर्स एंड होलसेलर। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट की सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा बनाया गया हर प्रोडक्ट जंग रहित प्रोडक्ट है। जी हाँ, रस्ट फ्री। एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट के पास वॉल आर्ट, वर्सेस एंड प्लांटर्स, मिरर एंड क्लॉक्स, फोर फ्लोर एंड टेबल लैम्प, कंसोल्स एंड नेस्टिंग टेबल्स, फिंगरिंग्स एंड स्टैचू एंड मच मोर। एवन हैंडीक्राफ्ट्स वी अंडरटेक इंटीरियर मेटल डेकर प्रोजेक्ट्स। ये सब मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए भी थोक और प्रचून की सेवा उपलब्ध है। इन दिनों मिलेगा आपको स्पेशल डिस्काउंट, एक बार जरूर आइए और मौका दीजिए एवन हैंडीक्राफ्ट पठानकोट को आपके सपनों की दुनिया को सजाने का। एवन हैंडीक्राफ्ट स्ट्रीट एडजॉइनिंग एवन केक्स एंड पेक्स, नज़दीक पीर बाबा चौक, ढांगू रोड, पठानकोट। आप इन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं 9417604147 या फिर 9780546468।